हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। काफ़ी दोस्तों ने जो है कमेंट किया था कि हमें पिटूनिया के ऊपर अच्छा खासा एक वीडियो बनाकर दीजिए, कंप्लीट वीडियो। तो आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी बताने वाले हैं, वो भी ऐसा तरीका बताएंगे कि शायद आपने वो कभी तरीका ना देखा हो या आपको प्रैक्टिकल करके किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो ये आप देख सकते हैं, जितने भी फ्लावर हमने तैयार किए हैं इनको आप देख लीजिए, कितनी ज़्यादा यही लग रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, लेकिन ये ओरिजिनल फ्लावर हमने अपने छत पे तैयार किए हैं और इनके आज हम इनको तैयार करने का पूरा सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जितने भी इससे संबंधित सवाल होते हैं हम सभी का जवाब जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे बस एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो पिटूनिया का पौधा है, आप चाहें तो इस तरीके का पिटूनिया का पौधा जो है वो नर्सरी से सीधे खरीद सकते हैं। और पिटूनिया का जो पौधा होता है उसको ज़्यादा जो गहरे गमले होते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा सा उथले गमले हों जिनकी गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो, तो उसमें फूलों की मात्रा जो होती है वो बढ़ के आती है, मतलब ज़्यादा फूल उसमें बनते हैं। और सबसे खास बात आपको ध्यान देना है कि ये जो स्टैंडिंग पॉट होते हैं या जो भी आप पॉट ले रहे हैं, कोई जिस गमले में लगा रहे हैं, उसमें अगर होल नहीं है तो आपको होल ज़रूर बनाने हैं। अगर आप होल नहीं बनाएंगे तो उतना अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होगी, और अगर एक बार भी आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो आपके जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। पिटूनिया के पौधे के लिए 8 से 10 इंच का जो गमला होता है चौड़ाई का, वो पर्याप्त रहता है। और ये देखिए, जो आपको सॉइल मिक्सचर लेना है इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें आपको थोड़ी सी बालू मिलानी है चौथाई भाग, और एक भाग आपको वर्मी कंपोस्ट मिलानी है जो अच्छी वर्मी कंपोस्ट हो, और आधी आपको मिट्टी लेनी है, यानी आपको एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक भाग बालू और दो भाग जो है आपको नॉर्मल मिट्टी के चाहिए होंगे। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप अच्छी सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है वो आप ले लीजिए आधी, और आधी आप ले लीजिए नॉर्मल मिट्टी। अब देखिए, आप जो बीज से भी इसको तैयार कर सकते हैं, जो पिटूनिया के पौधे होते हैं वो आप चाहे नर्सरी से खरीदें या आप घर पर तैयार कर लें, लेकिन जब उनकी साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, छोटे छोटे ग्रो बैग में या गमले में लगा लें, जब वो हल्का बड़े हो जाएँ, 8-10 पत्ती के हो जाएँ, तभी आप उनको लगाएँ। तो ये देखिए, ये पौधा जो है लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है, ये नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा है, और ये पौधे जो है 20-25 रुपये का आसानी से मिल जाते हैं इतने बड़े ग्रो बैग में, ये 3 इंच के या 4 इंच के ग्रो बैग में लगे होते हैं। और इसमें फूलों का भी कोई कलर आप पहचान नहीं कर सकते हैं जब तक इनमें कली नहीं बनती है, तो आप कोशिश करें कि अलग अलग जो कलर होते हैं, अगर एक आधे फूल आपको खिले मिल जाएँ तो उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से कलर का आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगे उस कलर का आप चुन के घर लाइए और उसको लगाएं। और दोस्तों, इसको लगाने का जो समय होता है, अगर आप बीज से तैयार करना चाहते हैं इसकी नर्सरी, तो आप नवंबर में लगाएं इसकी जो बीज हैं वो डालें नर्सरी के लिए। और अगर आप डायरेक्ट पौधे को खरीद के ला रहे हैं, पौधा लगाना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने में पूरे महीने आप लगा सकते हैं। और ये अधिक देखरेख करने पर, अगर आप अच्छे से इसकी देखरेख करते हैं, तो ये आपको 15 अप्रैल तक भी फूल दे देता है, क्योंकि हमने पिछले साल इसमें 15 अप्रैल तक अच्छे खासे फूल प्राप्त किए थे। तो ये देखिए, अब इस तरीके से कुछ लगा लिया है इसको, जितनी भी इसकी ख़राब पत्तियां होती हैं जब नर्सरी से लेकर आते हैं, जो सूखी हुई पत्तियां लगी होती हैं, उनको हमने हटा दिया है। हटाने के बाद देखिए, थोड़ा फैलाकर इसको लगाया है, और अब हम इसमें पानी दे रहे हैं। तो पानी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और पहली बार अगर मिट्टी सूखी है तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा दे सकते हैं। तो चलिए, अब दिखाते हैं आगे का अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हमको लगाए हुए लगभग 35 दिन हो चुके हैं, 35 से 40 दिन हो गया है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, दोनों जो हमने पॉट में लगाया था उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हुई है। और अब हम क्या करेंगे, अभी आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जो हमने फॉलो किए हैं। अभी देखिए, इसमें कम फ्लावरिंग दिख रही है, उतना ज़्यादा फ्लावर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावर आ चुके हैं, और नई नई जो कलियाँ हैं, ये देखिए, सब कलियाँ ही कलियाँ दिख रही हैं। दोस्तों, पिटूनिया के बिल्कुल मैजिक फ्लावर देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हमने बहुत ही अच्छा इसका अपडेट दिया है। तो अब हम आप बात कर लेते हैं कि इसके जो मेन जो टिप्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, उन टिप्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ऐसी जगह पर अपने फ्लावर को रखना है, पॉट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कम से कम 6-7 घंटे की या 8 घंटे की धूप मिले। अगर आपको ओपन धूप में रखते हैं, एकदम खुली धूप में छत पे रखेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल ले पाएंगे। तो
तो ये हो गया पहला टिप्स कि आपको पौधे को अपने धूप में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर धूप आती हो। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक ही पॉट में दो तरह के पौधे लगाए हैं। इसमें देखिए ये वाला जो है ये वाइट कलर का है, इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं और अभी खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अब बताते हैं आपको दूसरा टिप। देखिए जब भी आप पानी देते हैं अपने पिटूनिया के पौधे को तो ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए गमला जो है थोड़ा उथला रखना है आपको। अगर आप ज़्यादा गहरा गमला ले रहे हैं तो उसमें आप पानी देंगे ऊपर से तो नीचे तक वो बना रहता है नमी। यहाँ पर देखिए हल्की नमी बनी हुई है लेकिन ना तो ज़्यादा ड्राई है मिट्टी और ना ही ज़्यादा गीली है। तो आपको इस तरीके से पानी देना है और जब भी आप पानी दें तो आप ओवर वाटरिंग का बिल्कुल भूल कर भी ना करें, नहीं तो उसमें फ्लावर बहुत कम बनते हैं और पत्तियाँ नहीं निकलती रहती हैं। फ्रेंड्स अब देखिए हमारे जो पौधे हैं वो लगभग 2 महीने लगाए हुए हो चुके हैं गमलों में शिफ्ट किए हुए और आप देख सकते हैं कितना हैवी इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये 8 इंच का गमला है और आप ये गमले को देखिए इसमें। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं हम तीसरा टिप्स। तीसरा टिप ये है कि जब भी आप इसमें पानी देते हैं पिटूनिया के पौधे में पानी दें तो आपको पानी कभी भी पौधे के ऊपर से नहीं डालना है, यानी ना तो उसके फ्लावर पर पानी पड़ना चाहिए ना इसकी पत्तियों पर पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ जो हैं ख़राब होने लगती हैं। और जब भी पानी दें एक तरफ से हल्का सा पौधा हटाएं, हल्का सा एक तरफ को पौधे को पत्तियों को हटा लें और ब्रांच शाखाओं को, और उसके बाद जो है उसके नीचे गमले में पानी दें वो भी हजारे की सहायता से। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सनफ्लावर के पौधे लगाए थे वो भी गमलों में ही हैं, 8 इंच के गमलों में लगे हुए हैं 10 इंच के, और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप ये देख सकते हैं कितनी हैवी फ्लावरिंग जो है वो मिल चुकी है और इस तरीके के फ्लावर जो हैं कितना खूबसूरत लगते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो छत पे आते हैं और देखते हैं तो सोचते हैं कि इनके यहाँ इतने ज़्यादा फ्लावर कैसे खिलते हैं। तो इसका जो सीक्रेट है वो दो टिप्स जो बचे हुए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे आपको चौथा जो टिप्स है वो ये है कि इस तरीके से जो भी फूल खिल जाते हैं इस टाइप के इन्हें आपको तोड़कर डेली हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो उसकी जो कलियाँ होती हैं जो फूल खिलते हैं वहाँ पर तुरंत ही बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे पौधे की जो फ्लावरिंग की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपको चौथा जो पॉइंट है वो करना है। और पांचवा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप इस तरह की फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब से आप पौधे को लगाते हैं गमले में शिफ्ट करते हैं उसके हर 15 दिन के अंतर पर, यानी आपको जैसे आपने गमले में लगाया और 15 दिन हो गया तो आपको सरसों की खली का जो पानी है वो आपको ज़रूर देना है। 50 ग्राम सरसों की खली आप भिगो दीजिए 2 दिन के लिए, उसको भिगो के रख दीजिए, फिर उसमें आप 10 लीटर पानी ऐड कर लीजिए और उससे ही सिंचाई आपको करनी है। 15 दिन में एक बार ज़रूर करना है आपको जब तक कि आप फ्लावरिंग चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो आप अपनाकर बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।